प्रिया गंजे। ओए गंजे, अबे क्या भाग रहे गंजे? महमूद साहब भाई क्या हालात खराब है? अरे पता नहीं क्या हो गया आजकल के नौजवान बच्चों को। क्यों, आपका किसी ने मोबाइल चुराने की कोशिश की? नहीं भाई। तो फिर आप इस तरह भाग के क्यों आ रहे हैं? अरे वो तो मैं अपना स्टेमिना चेक कर रहा था। एक बात तो बताओ खूबसूरत। पूछे महमूद साहब, मेरे बाल क्या पहले से कम हो गए? मैंने कभी गौर नहीं किया महमूद साहब। अरे तो आप देख के बता दो ना। मुझे तो पहले जितने ही लग रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले की तरह घने और चमकदार? नहीं, कम और रूखे। अरे लेकिन मैं गंजा तो नहीं लगता ना। किसको? मेरा मतलब है कि मेरे बाल इतने कम तो नहीं हुए ना कि अगर मैं रास्ते में सौदा लेकर घर आ रहा हूँ तो गली के बच्चे मुझे गंजा गंजा कहकर छेड़े। आपको गली के बच्चों ने गंजा बोला है? अरे नहीं भाई, मुझे कोई गंजा क्यों कहेगा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या कभी कोई मजाक में मुझे गंजा कह सकता है। महमूद साहब आप भी वैसे कमाल की बातें करते हैं। है ना भाई, गंजे को गंजा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? वो तो आप मेरे रिश्ते में सुसर हैं इसलिए मैं लिहाज कर लेती हूँ, वरना मैं भी गंजा ही बोलती। अरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ लड़की, तुम्हारे मियां से ज्यादा बाल है मेरे बाजुओं पर। चार सौ अड़तालीस। ये आप क्या कर रहे हैं शीशे में देख के? बाल देख रहा हूँ मोमो। और शीशे में बाल आ गए? मोमो मैं अपने बाल देख रहा हूँ। आपके बाल शीशे में कैसे आए? अरे यार मैं शीशे में अपने सर के बाल देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ है आपके बालों को जमशेद? मोमो मुझे लग रहा है कि मेरे बाल गिर गए हैं। कहाँ गिर गए, मुझे बताएं, मैं उठा के ले आती हूँ। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम, मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर से गंजा हो रहा हूँ। खबरदार जो आप गंजे हुए गुलफाम, मैं किसी गंजे आदमी की बीवी बन के ना अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे चुप करो यार तुम, मुझे टेंशन हो रही है, अभी तो सर्जरी करवाई थी और फिर से बाल गिर रहे हैं। आप रोए मत रहील, मैं आपको ऐसा वो बना के दूंगी ना कि आपके सर पे बाल आ जाएंगे। ऐसा क्या बनाओगी? वो जिसमें खाना बनाते हैं। अरे खाना तो पतीली में बनाते हैं भाई। जो पतीली में डालते हैं ना वो? चम्मच? नहीं, वो जो सर में डालते हैं तेल। हाँ तेल, मैं आपको ऐसा तेल बना के दूंगी कि फौरन आपके बच्चे आ जाएंगे। बाल? हाँ जी, आपके बच्चे के बाल आ जाएंगे। अरे मेरे बच्चे के सर पे तो पहले ही बहुत बाल हैं। हाँ तो फिर आप इतनी देर से टेंशन किस बात की ले रहे थे? मैं भी अम्मी जी को पता करती हूँ फोन करके। ओए हाँ भाई राणा रिजवान, यार तू मिस कॉल क्यों देता है भाई? तेरी बड़ी नैयर जहाज वाली तबीयत हो गई है। ओ भाई साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। अच्छा चल ठीक है ठीक है, क्रेडिट डलवा ला तो फिर कॉल कर मुझे जरा। ओके बाय। यार महमूद साहब आपका मुंह क्यों लटका हुआ है यार? यार नबील एक बात तो बताओ। हाँ हाँ पूछे महमूद साहब। क्या तुम्हें भी लगता है कि बाल कुछ कम हो गए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, मुझे तो लग रहा है कुछ बड़े हो गए हैं। अरे इसीलिए तो मैं कटवाने का सोच रहा हूँ। अरे भाई मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ यार, मेरे बाल गिर गए हैं, मुझे लगता है कि सर्जरी ठीक नहीं हुई। तो यार महमूद साहब आपके बाल तो शुरू से कम है, आपके कानों पर सर से ज्यादा बाल है। मैं तो कह रहा हूँ कानों के बालों को बढ़ाकर सर पे ले आए। अरे मैं क्या अमजद इस्लाम अमजद हूँ, मजाक मत करो मुझसे। मजाक तो आप कर रहे हैं महमूद साहब। यार देखे हर चीज की एक उम्र होती है और आपके बालों की उम्र पूरी हो चुकी है। नबील मैं वैसे सोच रहा हूँ कि दोबारा सर्जरी करवा लूँ। ठीक है महमूद साहब, लेकिन इस बार ना आप मुंह की सर्जरी कराएं। हाँ भाई देखे ना, एक बार अगर मुंह अच्छा हो गया तो बालों की खैर है। अरे मुझे नए बाल लगवाने हैं भाई। अरे यार मैं मुंह सब कैसी बातें कर रहे हैं यार, मुंह नया लगवाएं, बाल तो मुंह के साथ मिल जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। नबील यार मैं मुंह सब देखे, मुझे तो जरूरी काम से अंदर जाना है, आप यहाँ बैठ कर बाल गिने। अरे तुम कौन से जरूरी काम से अंदर जा रहे हो? आराम करने। वो जो तुम अंदर करने जा रहे हो वो आराम है? हाँ जी। अच्छा जी, आप एक काम करें मामू साहब, आप अपने बालों को गिरे दे लें आपस में ताकि गिरे ना। पठाने खान बन जाऊं? मुस्तकीम मुस्तकीम। क्या हुआ मोमो? मैंने ना अपनी माजी से आपके लिए गंजपन का तेल बनाने का वो पूछ लिया है। वो क्या? वो जो डॉक्टर लिखते हैं ना। अरे डॉक्टर तो दवाइयाँ लिखते हैं यार। नहीं वो जो डॉक्टर पर्चे में लिखते हैं दवाइयों के नाम। नहीं वो जो नुस्खे में लिखते हैं। हाँ 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 नुस्खा। मैंने अपनी माजी से ना
आपके लिए गंजपन का तेल बनाने का नुस्खा सीख लिया है। अरे रहने दो यार, ये तेल वेल सब बकवास होते हैं। मेरी माँ बचपन से वो तेल बना बना के बेच रही है, पूरे गांव में मशहूर है वो तेल, दूर दूर से लोग आके खरीदते हैं उसको। तो क्या उस तेल से कभी किसी को फायदा हुआ? हाँ जी, मेरी माँ जी को। उनके बाल आ गए? नहीं नहीं, उनके पास पैसे आ गए। अरे बाल आए किसी के उस तेल से? हाँ जी, मेरे मामा जी के। अच्छा, ऐसे वैसे बाल उनके तो हाथों की हथेलियों में भी बाल आ गए थे। अरे हथेलियों पर बाल कैसे आ सकते हैं मोमो? यही तो कमाल है उस तेल का, जहाँ जहाँ लगाओ बाल आ जाते हैं। मेरे मामा जी थे ना, वो तो हजाम के पास जाते थे हथेलियों की शेप बनाने के वास्ते। हाँ जी, मेरे मामे के बालों की वजह से तो उनकी बीवी शादी की रात ही को मर गई थी। वो कैसे? वो समझी ना कि कमरे में रीच आ गया। क्या? हाँ जी। ठीक है मोमो, फिर हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। तुम तेल बनाना शुरू करो। वैश्य वशे।